बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान। न्यूज 24 की टीम अब पहुंच चुकी है केवलारी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वह बीजेपी से हैं, राकेश पाल सिंह यहां पर विधायक हैं। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रजनीश सिंह को यहां हराया था। बता दें कि यहां पर कई सालों तक यह कांग्रेस का गढ़ बना रहा। रजनीश सिंह जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से हारे थे, उनके पिताजी मध्य प्रदेश जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कई बड़े पदों पर मंत्री भी रहे। अब यहां से हम केवलारी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वह किसे चुनेगी और विधायक के कितने वादे हैं जो अधूरे हैं और पूरे हैं। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान। न्यूज 24 की टीम का काफिला इस समय पहुंच चुका है केवलारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरंडिया में। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र में 5 सालों में विधायक ने क्या कार्य किया है और क्या बाकी है। जी, नाम आपका? सोनम ठाकुर। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? बहुत समस्या है, रोड नहीं है सही। ये रोड देखिए आप, पानी नहीं आता, गर्मी में पानी नहीं रहता। वो तो हमारे घर का कुआं है उससे पानी आता है, बाकी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो विधायक जी आप लोगों से मुलाकात करने आते हैं? 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार आए? सिर्फ चुनाव आता है तब बस आते, उसके बाद में तो दोबारा शक्ल भी नहीं दिखाते। तो क्या कुछ जो विधायक जी ने वादे किए थे यहाँ 5 सालों में, वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए? कुछ भी वादे थे, सिर्फ एक रोड बनी है तो जो गांव से जाते वहाँ पे कई लोगों का एक्सीडेंट, इतनी घटिया रोड है यहाँ। और क्या प्रमुख समस्या आपके गाँव में? अभी कोई ऐसा व्यवस्था भी नहीं है गर्मियों में पानी के लिए, एक तो हैंडपंप है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। जी, नाम आपका? मीना ठाकुर। मीना जी, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? विधायक जी ने जो अपने कार्यकाल में वादे पूरे हुए हैं उनके कि नहीं हुए? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या समस्या है आपके गाँव में? वही पानी की प्रॉब्लम, घर के कुएं हैं तो उसमें आ जाते हैं ना, वहाँ की नलियाँ साफ नहीं होती, रोड देखिए जरा, रोड इतनी खराब है। विधायक जी मुलाकात करने आते हैं आप? पानी की टंकी होने नहीं, कभी नहीं आए, वो तो बस चुनाव के समय आते बस। पानी की क्या समस्या? गर्मी में बिल्कुल पानी नहीं आता है, मोटर सप्लाई कुएं में। तो 5 साल के जो विधायक जी का कार्यकाल है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी काम नहीं हुए। क्या चाहते हैं, क्या कार्य होना चाहिए आपके गांव में? होना चाहिए ना, पानी की टंकियां बनना चाहिए, रोड बननी चाहिए, ये नालियां देखो जरा ऐसी भरी भरी रहती है, हैं इनको साफ होनी चाहिए, ढेर सारी चीजें हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? नाली साफ नहीं होती। नाली साफ नहीं होती, तो विधायक जी आते हैं मिलने के लिए आप लोगों से? नहीं आते, नहीं आते। क्या चाहते हैं आपके गाँव में, क्या विकास होना चाहिए? टंकी पानी बने, टंकी। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, कुछ ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या समस्याएं हैं। जी, नाम आपका? राजा ठाकुर। जी, बताइए अपने क्षेत्र में आपकी समस्याएं क्या है, विधायक जो है यहाँ पर उसके कार्य संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा हमारी समस्या ये है कि यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। टंकी कई दिनों से बनी रखी है लेकिन आज तक उसका काम नहीं हो पाया। एक काम हुआ अब जाके वो रोड का बस, लेकिन ग्राम के अंदर वाली पूरी गाँव की रोड खराब है, अभी भी नहीं बन पाई। और पानी की बहुत समस्या है, मतलब पानी गर्मी के दिनों में तो आता ही नहीं है, बहुत परेशान हो जाते हैं। 1 किलोमीटर दूर जाओ लेके आओ। विधायक जी मुलाकात करने आते हैं आप लोगों से? नहीं, मैं तो आज तक यहाँ रहा, जब से आया हूँ तभी तक विधायक जी से कोई मिले ना, वो आए यहाँ पर। 5 साल के कार्यकाल में आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? 5 साल के कार्यकाल में बस एक रोड ही दिखी है हमको हमारे गांव के लिए, वो भी अभी बनी, वो भी अभी ढंग की नहीं बनी है, वो भी अभी पुलिया का निर्माण रह गया है। कभी नाला आता है तो स्कूल के बच्चे वगैरह हो या आमजन हो, वहाँ परेशान होते रहते हैं, खड़े रहते हैं जब तक। और भी कुछ ग्रामीण मौजूद हैं हमारे साथ। जी, नाम आपका क्या है? शंभूलाल डे। शंभूलाल जी, आपके क्षेत्र में विधायक जी हालचाल जानने आते हैं कि क्या समस्याएं हैं लोगों को? आते हैं ना। आते हैं? हाँ, 2 बार आए थे। 5 साल में सिर्फ 2 बार आए? अरे 2-3 बार आ चुके हैं यार 5 साल के अंदर में। हाँ, तो समस्या रखते हैं आप उनके सामने? समस्या रखते थे हमारी रोड की, उसी पार सरंडिया, तो उनसे बोले थे तो उनने रोड बनवाए, बनवा दिए डामर रोड। कार्य क्या है आपका, किसान है आप? हम किसान। पानी और बिजली मिलती है आपको भरपूर मात्रा में? भी मिलती है। और सीजन में कार्ड भी देते हैं, रुक रुक के आती है मगर देते हैं, मतलब कटौती होती रहती। हाँ, तो विधायक जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? आदित्य संतुष्ट हैं, ही अपन संतुष्ट हैं। हाँ,
और भी लोग मौजूद हैं जी, नाम आपका? मेरा नाम शिवचरण डहरिया है जी। यहाँ क्या है, काम होता है जी, उतना अच्छा नहीं होता जैसा चाह रहा है आदमी। किसानों की क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? किसानों की पानी की समस्या है, हाँ। पानी नहीं है, हाँ। और जो नल से जो पानी आता है गर्मी में बिल्कुल भी नहीं आता। घर में लेटरिन बाथरूम है आदमी की, तो कहाँ से शौचालय जाएंगे, कहाँ से शौचालय जाएंगे? नल जल योजना का क्या हाल है? नल जल योजना की तो चर्चा कर रहा हूँ, बहुत पानी आता है ना, पानी नहीं है गाँव में बराबर होता। तो कैसे पानी आता है? थोड़ा ऐसा आता है 15-20 मिनट आएगा बंद हो गए घाघरा दो घाघरा। मुलाकात करने आते विधायक जी, आप समस्या रखते हैं? आते हैं एक दो मरतबे आए और एक बाद में आते चले। समस्या रखे आपने सुनते हैं? समस्या रखे हैं, रोड की समस्या रखे थे, तो रोड तो बनी है मगर पटली ढंग से नहीं बनी है। क्या चाहते हैं अब, क्या कार्य होना चाहिए? अच्छी बनना चाहिए और जो पुल बनने चाहिए बनारवा का झुड़िया का पुल बनना चाहिए, पूरा बहेगा वो पूरा आए थे। कहाँ से लड़का जहाँ होना पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, छात्र छात्रा को ज्यादा समस्या है, छात्र को समस्या है ना। नाम आपका क्या है? हमारा नाम मुनीश्वर सिंह ठाकुर है। विधायक जी दौरा करते हैं आपके क्षेत्र में? अभी तो नहीं आए हैं, जब से चुनाव हुआ है इसके बाद नहीं आए हैं, अब आने वाले हैं। तो जो विधायक जी ने चुनाव से पहले वादे किए थे पूरे हो गए आपके ग्राम में? हाँ, काफी कुछ तो हो गए हैं, कुछ बाकी रह गए हैं। चल रहा है काम, सब चल रहा है काम उनके। क्या समस्या है आपके गांव में? अब समस्या हमें तो इस प्रकार की है कि यहाँ से एक रोड नहीं बनी है अभी, पीएच कुआं वाले से वो बनना चाहिए। विधायक जी आके मुलाकात करते हैं आप लोगों से? हाँ, मिलते रहते हैं हम मुलाकात। जनता ने चुनाव में विजय श्री हमें दी, हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से विजय श्री मिली, जनता की मेहनत से मिली, वंशवाद परिवारवाद खत्म कर दिया और हमने वो काम कराए हैं जो पिता पुत्र की जोड़ी ने 28 साल के कार्यकाल में नहीं कराए। ऐसी अनेक सड़कें हैं जो आजादी के बाद बनी ही नहीं। हमने 70 से ऊपर की कच्ची और पक्की सड़कें जो हैं बनवाई हैं, 16 पुल बनवाए हैं, बिजली की आंख में चोली खत्म करने के लिए 132/33 केवी का सब स्टेशन का काम चल रहा है। जो राकेश पाल जी ने लोगों से वायदे किए थे उस पर खरा नहीं उतरे। उन्होंने कई जगह पर, चाहे वो नहरों की सीमेंट कंक्रीटीकरण की बात हो, चाहे नहर लाने की बात हो और चाहे उद्योग लगाने की बात हो, बड़ी बड़ी बातों का भ्रामक प्रचार किया था, पर पूरे लगभग 4.5 साल बीतने को आए उन्होंने कहीं पर भी कोई ऐसा काम बड़ा नहीं किया जो केवलारी विधानसभा में मील का पत्थर साबित हो। बल्कि दूसरी ओर जब मैं यहाँ से विधायक था तो मैंने जो समूह नल जल योजना जो मैंने स्वीकृत कराई थी, आज तक उन समूह नल जल योजना की टंकी बनकर तैयार हैं, पाइपलाइन कहीं कहीं डल चुकी हैं, उसका भी लाभ क्षेत्रवासियों को वो दिला नहीं पाया। बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान News24 की टीम का काफिला इस समय पहुंच चुका है केवलारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कड़वी में। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में उनके विधायक का कार्य कैसा रहा है, क्या कुछ यहां पर क्षेत्र में समस्याएं हैं। जी नाम आपका? कमल। कमल जी क्या क्षेत्र में समस्याएं हैं आपके? समस्याएं तो यही है, खेती बाड़ी में नहरों पानी नहीं मिल रहा, नहर निकली नहीं है और पानी पीने की भी दिक्कत आ रही है। विधायक जी आते हैं मुलाकात करने आप लोगों से? नहीं, कहाँ पर, तो बोटी आएगी तभी आएंगे वो वोट देने करके। और क्या समस्या आपके क्षेत्र में? समस्या और है क्या है, देखो रोजगार काम भी नहीं चल रहा यहाँ पे। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जी नाम आपका? शारदी कुमरे बोलता हूँ जी। यहाँ पर इतनी बड़ी परेशानी है, जो विधायक आए थे हमारे सिवनी क्षेत्र से, अपने केवलारी विधायक, केवलारी क्षेत्र के विधायक, उनने ही ये कह के गए थे कि हम आपके कड़वी क्षेत्र में, अपने बिहरिया क्षेत्र में, अजरिया क्षेत्र में हम नहर देंगे। तो अभी तक तो हमारे क्षेत्र में नहर नहीं आई और अब वोटिंग जब आ रही है तो हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग आते हैं कि हमको वोट देना, लेकिन हम जनता परेशान है, इस ऐसे विधायकों को हम पसंद नहीं करना चाहते, तो हम वोट जो भी हमारे पसंद के विधायक हैं उनको हम वोट देना चाहते हैं। गणपति कुमरे। गणपति जी क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या ठीक चलेगा जी, सब पानी की समस्या है, पानी नहीं, पीने का नहीं मिलता, खेत बाड़ी में पानी नहीं है, कुछ नहीं है,
काम धाम भी लगता तो वो भी ठिकाना से नहीं लगाते। अब यही तो घूम रहा है इतने दिन का के लिए बैठे। विधायक जी आते हैं आपके क्षेत्र में मुलाकात करते हैं? जब वो अटकी रहती तब जाते हैं, उसके बाद कोई विधायक नहीं आते। अभी आएगा मौका तो सब घूमने लगेंगे। ग्रामीण है यहाँ पर, उनका आरोप है कि विधायक जी यहाँ पर आते जरूर हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनते हैं, अपनी बात सुना के चले जाते हैं। बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान न्यूज 24 की टीम का काफिला इस समय पहुंच चुका है केवलारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोरखपुर में। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में उनके विधायक का कार्य कैसा रहा और क्या कुछ उनको समस्याएं हैं, क्या क्षेत्रीय समस्या है यहाँ पे। क्षेत्र में बहुत समस्या है हमारे क्षेत्र में, ना तो पानी ना तो बिजली ढंग से, ना तो यहाँ पर जो विधायक जी हैं वो आते तो हैं, साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं बस, जब वो भी जब जरूरत है वोट की तब आते हैं और आके चले जाते हैं। नहीं, प्रमुख समस्या क्या है आपके क्षेत्र में? सड़क पानी बिजली सब है पर्याप्त मात्रा? सड़क तो है पर लेकिन पानी नहीं, बिजली नहीं है टंकी यहाँ की। कभी भी रात में जरा भी थोड़ा बहुत पानी गिरा तो पूरी रात के लिए बिजली गोल। छात्र छात्राएं भी यहाँ पे, हमने कुछ लोगों से जानना है। चाहा हाँ, नहीं बोलते हैं कि यहाँ नदी नाले भी पूर्व आ जाते हैं कुछ पुलियों की समस्या वगैरह। हाँ, पुलियों की समस्या, जैसे अभी ये बाजू वाला गाँव है, यहाँ यदि किसी को जाना है तो रोड ही नहीं है पहली बात तो, कच्ची रोड है, पुलिया ऊपर से बहन लगती, आदमी यहीं खड़ा रहेगा। प्लस स्कूल है पर स्कूल में पढ़ाई नहीं है। आपका क्षेत्र यहाँ सबसे बड़ा एशिया का कच्चा बांध है भीमगढ़ बांध जी, उसके बावजूद रोजगार वगैरह के क्या साधन है यहाँ पे? नहीं है रोजगार, कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी यहाँ। समस्या ये है कि ये रोड भी बनना चाहिए, जो कड़वी वाली जो रोड गई है यहाँ से गोरखपुर से, वो रोड भी बनना चाहिए। और विधायक जी मिलने आते हैं? नहीं, अभी तो एक बार भी नहीं आए। बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान न्यूज 24 की टीम का काफिला पहुंच चुका है केवलारी विधानसभा क्षेत्र के छपारा में। बता दें कि यहां की जीवनदायिनी बैनगंगा नदी के तट पर हम लोग मौजूद हैं। यहां कुछ युवा साथी हैं, कुछ कृषक हैं, कोई कुछ लोग यहां पर व्यापारी भी हैं। विकास से हम कैसा विधायक जी का काम है? हम बहुत, मैं युवाओं की तरफ से बताना चाहूँगा कि मैं उनके काम से बहुत संतुष्ट हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने केवलारी विधानसभा में 3 CM राइस दिए हैं, और आपने देखा होगा कॉलेज जो कि युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। 12वीं पढ़ने के बाद लोग पहले छपारा कॉलेज जाते थे तो उनको दूसरी सुविधाएं नहीं मिलती थी, सिर्फ BA करना पड़ता था, लेकिन आज छपारा कॉलेज में BA, BSc, BCom तीनों चीज चालू हो गई हैं और नवीन बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है और एक और नवीन। लेकिन फिर भी तो लोग पलायन करते हैं यहाँ से उच्च शिक्षा के। बेहतर काम हो रहे हैं अभी, जैसे अभी हमको 4 साल मिले, 2 साल कोरोना में निकल चुके हैं। अभी 2 साल में विधायक जी ने हमारे छपारा क्षेत्र में 4 करोड़ की 2 बिल्डिंग स्वीकृत करवा दी, उसके कार एक पूर्ण हो चुका है और एक निर्माणाधीन है। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, जो चुनाव हारे थे रजनी सिंह हैं, वह दिग्विजय सिंह के शासन काल में उनके पिता जो हैं यहाँ पर नेता थे, लेकिन केवलारी विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है राकेश पाल सिंह हैं, उन्होंने कांग्रेस का जो किला है उसे भेदा था, जिसके बाद अब फिर से विधानसभा चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सियासत यहाँ की क्या रंग लाती है और जो सियासी ऊंट है किस करवट बैठता है। बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान न्यूज 24 की टीम पहुंच चुकी है इस समय केवलारी नगर में। आपको बता दें कि किसी भी शहर की राजनीति या नस जाननी हो तो उसके शहरी इलाके में पहुंचना पड़ता है, और इस वक्त हम मौजूद हैं केवलारी विधानसभा क्षेत्र के केवलारी नगर के चांदनी चौक इलाके में। कुछ युवा है, कोई व्यवसायी है और कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे इनसे। नाम आपका? अतुल जी, कैसा कार्य है आपके विधायक का क्षेत्र? पहले से तो बहुत अच्छा जी, इस कार्यकाल से पहले हमारे यहाँ रजनीत सिंह जी का कार्यकाल था, उनसे तो बहुत बेटर कार्यकाल रहा विधायक राजेश पाल जी का। क्या क्या वादे थे उनके, सब पूरे हो गए और रह भी गए और कर भी थे बात? यहाँ पर लोग कहते हैं कि विधायक जी आते भी हैं, कई लोग कहते नहीं आते हैं, इस क्षेत्र में विधायक भ्रमण करते हैं, सुनते जनता की समस्या। ये तो देखो केवलारी मुख्य बिंदु के अंदर यहाँ तो विधायक जी का आना हर हफ्ते बाद जाते हैं। क्या लगता है इस चुनाव में? फिर भी टक्कर का चुनाव तो रहेगा, टक्कर का चुनाव रहेगा। और भी कुछ युवा साथी मौजूद हैं, सर भी हैं जी, नाम आपका? मेरा नाम जी विशाल बघेल। विशाल बघेल जी, आपके क्षेत्र के यहाँ विधायक है, मुख्यालय है केवलारी, विधायक के क्या वादे थे, पूरे हुए हैं और क्या अधूरे हैं?
ये वादे तो बहुत थे जो धीरे हो रहे हैं और अधूरे भी है कुछ। जुगारी के चांदनी चौक में हम यहाँ पर मौजूद थे। कुछ लोगों का कहना है विधायक का कार्य अच्छा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं अभी और कार्य होना भी बाकी है। कि जनता का मन टटोलने की हमने कोशिश की, केवलारी मुख्यालय के बाद ग्रामीण अंचलों में भी न्यूज 24 की टीम जाएगी और ये जो मतदाता हैं उनका मन टटोलने की कोशिश करेगी।